मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के राज्य में ईंधन के दाम 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, रसोई गैस की कीमत का भी कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी सत्यानाशी है और इसकी कुंडली में ही यह जहां जाएगा वहां सत्यानाश करेगा। वहीं मोदी के अंधभक्त उनका नाम जपते रहते हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी में लगे रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश के हालात ऐसे हो गए हैं और मोदी मोदी करिए, मोदी इस तरह देश का सत्यानाश भी कर देंगे। बता दें कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के गुना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राज्य में हुई कोरोना वायरस से मौतों को लेकर भी कांग्रेसी नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जहां राज्य सरकार मौतों की संख्या कम बता रही है, वहीं पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी संख्या में लोगों को श्रद्धांजलि देने पर लगे हुए हैं। बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि सिंधिया झूठ बोल रहे हैं कि राज्य सरकार झूठ बोल रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस मौतों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, जानकर आंकड़े कम किए जा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ आंकड़ा है, सिंधिया तो लोगों की फोटो के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में भी राज्य और केंद्र सरकार कोरोना वायरस से हुई मौतों को छुपा रही है। बता दें कि हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गई थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार कर सकती है। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के ओर से इस मामले में दुष्प्रचार किया गया है और मुझे देशद्रोही, तालिबानी, पाकिस्तानी तक कहा गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए ESPN 9 News के साथ।